आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आप एक मोबाइल की स्क्रीन को दूसरे मोबाइल में जो है आराम से मिरर कर सकते हैं, उसमें जो है आराम से कोई भी चीज़ आप बड़े ही आराम से देख सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, आपके फ़ोन में वो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है और बड़े ही आराम से जो है आप जो है उसको शेयर कर सकते हैं स्क्रीन को। तो आपको करना क्या है, जैसे आप चाहते हैं कि अपनी स्क्रीन को आप शेयर करके किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ये बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपके फ़ोन में जो है जीमेल इंस्टॉल सबके फ़ोन में होती है, अगर आप देखेंगे तो जीमेल जो है सभी के फ़ोन में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होती है। तो आपको करना क्या है कि दोनों मोबाइल आपको ले लेने हैं, जिस मोबाइल में आपको स्क्रीन करना शेयर करना है और दूसरा मोबाइल जिसकी स्क्रीन शेयर करनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जीमेल को ओपन कर लेना है, जीमेल को ओपन कर लेंगे हम। जीमेल को ओपन करने के बाद जो आपके सामने यहाँ नीचे यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है ये जो है वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने, इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा मीट का, एक है न्यू मीटिंग और दूसरा है ज्वाइन विथ अ कोड। तो आपको जिसको ज्वाइन करवाना है आप उसको जो है इस पर आप क्लिक करके दूसरे मोबाइल में यहाँ क्लिक करके और ये जो कोड है इस कोड को आराम से आपको शेयर कर देना है। या तो जैसे हम न्यू मीटिंग करेंगे, आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करते हैं, न्यू मीटिंग क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे ऐसा आएगा, आपके सामने देखेंगे न्यू मीटिंग क्लिक करते हैं तो नीचे आपके सामने ये आएगा गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर। तो यहाँ से जो है आप इस पर क्लिक करके और इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका मीटिंग कोड जनरेट हुआ है इसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी आपके पास ऐप है उसके थ्रू आप इसको आराम से शेयर कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ से जो है जैसे स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ये पेज ऐसा ओपन हो गया आपके सामने। तो आपको करना क्या है कि आप जब यहाँ पे जब आप ऐसे इसको शेयर कर लेंगे आप, तो वहाँ पे एक इनवाइट कोड पहुँचेगा और वहाँ से जो है, या फिर आप किसी और को भी चाहते हैं, दो चार लोगों को और स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं एक के साथ में, चाहते हैं कि आप दो तीन लोग और इसको स्क्रीन को शेयर जो है जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस चीज़ को आप देखें, तो आपको सिंपल यहाँ से दोबारा भी जो है आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीन शेयर पे क्लिक करके और यहाँ से जो इसको आप आराम से शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी ऐप के थ्रू आप बड़े ही आराम से इसको शेयर कर सकते हैं। तो मुझे भी शेयर नहीं करना है, मुझे कोई दिखाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वॉइस को म्यूट करना तो यहाँ से आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं, वीडियो को बंद करना चाहते हैं वीडियो भी ऐसे बंद कर सकते हैं, अब जो भी चीज़ आप यहाँ से ऐसे आप आराम से बंद कर सकते हैं। और अब स्क्रीन शेयर आप कैसे करनी है आपको बताता हूँ मैं। आपके सामने क्या होगा, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने, ये इस थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको ये शेयर स्क्रीन। तो आपको सिंपल क्या करना है, शेयर स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आपको स्टार्ट शेयरिंग, तो शेयरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जो है आपके सामने स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, इसको आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जो है आपकी जो स्क्रीन जो है ये शेयर हो रही है, जो सेकंड मोबाइल होगा जिसको आपने लिंक शेयर किया होगा वहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने मोबाइल में शेयर करना चाहते हैं तो भी आप सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे आप सेटिंग पे और यहाँ पे स्टॉप करके और वहाँ की आपको स्क्रीन जो है स्टार्ट कर देनी है और वहाँ की स्टार्ट स्क्रीन जो है यहाँ पे शेयर हो जाएगी। तो बिना किसी ऐप के इसको आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा दूँ मैं आपको, जैसे कि अभी ये स्क्रीन जो है अभी शेयर हो रही है, अभी ये स्टॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, मीन्स अभी ये शेयर हो रही है स्क्रीन। इसको आप सिंपली आप ऐसे चाहेंगे तो इसको अगर मिनिमाइज भी कर देते हैं अगर आप, तो भी जो है अब आपकी ये स्क्रीन शेयर हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ सामने ऊपर देखेंगे पॉपअप के ऊपर जो है यहाँ पे आपको लिखा भी वो आ रहा होगा, ये योर वीडियो कॉल, ये जो आपकी स्क्रीन जो है अभी शेयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं तो इसको आप ऐसे हटाएंगे इसको आप, और यहाँ पे जो है आप कोई भी इसमें आप काम करेंगे, कुछ भी आप काम करेंगे, ये आपकी स्क्रीन जो इस वक्त शेयर हो रही है और वो जो सेकंड पर्सन है दूसरे मोबाइल में जो है आप स्क्रीन को बड़े ही आराम से आप देख सकते हैं। फिर अब इसको आप चाहते हैं ओपन करना तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे आप। तो आपको जो कोड शेयर करना है, अगर आप ये जो कोड है, ये जो कोड दिखा रहा हूँ, इस कोड को भी अगर आप शेयर करेंगे, हर बार ये कोड ही चेंज हो जाता है जब आप वो करेंगे, आप न्यू मीटिंग जब जनरेट करेंगे आप या मीटिंग में क्लिक करके कभी भी मीटिंग आप जनरेट करेंगे यहाँ से आप, तो आपका जो है वो कोड चेंज होगा। अब जब आप चाहते हैं
मीटिंग स्टार्ट करना या अपनी स्क्रीन को मिरर करना चाहते हैं तो यहाँ से जो आपको जो है इनवाइट कोड भेजना है यहाँ से, और इनवाइट कोड भेज के और उसको लिंक करवा लेना, और बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। तो वीडियो को कैसे लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ।